नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य संगीत संसद में। और साहित्य संगीत संसद के माध्यम से सबसे पहले आप सबों को भारत का स्वतंत्रता की जो 75वां वर्ष, जिसे हम अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत इसकी बधाई देते हैं। और साथ ही आज से हम इस संसद में एक विशेष एपिसोड गान राष्ट्रीयता का, जिसमें हम भारत की आज़ादी, आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष, किन सपनों के साथ हम आज़ाद हुए थे, जिन सपनों को सजोकर हमने कुर्बानियाँ दी थी, जब आज़ादी हमें मिली तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने किस संकल्प के साथ संघर्ष किया है, समर्पण किया है, और कितना सफल हुए हैं, कितनी संभावनाएं और हमारे बीच में हमारे पास है, और जितना कुछ भी है, हमारी संभावना है, उसको हम कैसे जमीन पर साकार कर पाएंगे, इनकी कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं अमरजीत और नागेश्वर। बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत और नागेश्वर आपका। हम अपनी गान की शुरुआत करते हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की उन पंक्तियों के साथ, जिसमें कवि दिनकर ने भारत को परिणित करते हुए, जब भारत को कहते तो भारत को भूगोल का एक खंड नहीं बताते, भारत उनके लिए एक विशेषण है। कैसा विशेषण? दिनकर जी कहते हैं, मानचित्र में जो मिलता है, मानचित्र में जो मिलता है, नहीं देश भारत है, भू पर नहीं, भारत तो भू पर नहीं, जमीन पर नहीं, भू पर नहीं, मन में ही बस कहीं शेष भारत है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में खरा वहां भारत जीवित वहां स्वर है। कभी दिनकर जी की भारत को, कभी दिनकर जी के भारत को हम अपने एक विशेष गान के साथ शुरू करते हैं, गान राष्ट्रीयता का, जो हमारे देश का पैगाम है। हम किस सपनों के साथ आज़ादी को लिए थे, हमारा स्वप्न क्या था, सुनते हैं हम इस गान के माध्यम से अपने देश पे सब कुछ न्योछावर करने वाले के स्वप्न को। फिल्म पैगाम का ही ये गीत है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये भारतवर्ष का पैगाम है, हर व्यक्ति को जो उसके परिश्रम है उसका फल उसे मिले, उसका जो हिस्सा है उसे मिले, कोई खाए नहीं, कोई किसी का अतिक्रमण न करे, किसी का शोषण न हो, कोई शोषक न हो, कोई शोषित न हो, ये इसी उद्देश्य के साथ हमने आज़ादी पाई थी। इसे थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं और हम भारत के वर्ष की, जो हमारी राष्ट्रीयता का गान राष्ट्रीयता का है, तो एक और गान के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। एक पैगाम लिखा है जी। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है उन तक पहुंचा देना, उन तक पहुंचा देना, मेरे मन की बात यही तुम बतला देना। मैंने अपने
गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है। ये पैगाम है भारत की सरहद पर हिफाजत करने वाले एक सैनिक की, और वो शायद अब इसके माध्यम से उनको जिन्होंने समस्त कुर्बानी देकर बलिदानी देकर भारत को आज़ाद किया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, साथ ही हमें आश्वस्त करते हैं कि हमसे भारत का सरहद सुरक्षित है। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उन दिनों की याद करते हैं जब भारत गुलाम था, भारत में क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदानी का सपना सजोकर सर्वस्व बलिदानी का भाव अपने में पिरो दिए थे, मानो सीरा धमनी में बहने वाला रक्त के कण कण में भाव पिरोया हुआ था। हम बस केवल आज़ादी चाहते हैं, चाहे इसके लिए कतरा कतरा रक्त का क्यों ना अर्पित कर देना पड़े। तब वो गीत 1920-25-30 के दशक में काफ़ी चर्चित हुआ था, जिस गीत को गाते गाते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। हम एक बार चाहेंगे कि एक बार फिर से उस गीत को थोड़ा जीवंत किया जाए और गान राष्ट्रीयता में उस गीत को सलाम किया जाए, उस गीत को गाकर हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में अपनी एक भेंट। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने मुझे बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, क्या खास बात है, ताराजू जिसमें स्वतंत्रता को लाया गया उसमें जीवन को ही मौत के पलड़े पे डाला गया था, तब कहीं स्वतंत्रता का ये दिन आज जो हम आज इसका रस स्वादन कर रहे हैं, 75 वर्ष जिसके पूरे हो चुके हैं, वो यूं ही सौगात में मुझे नहीं मिले। लेकिन जब हम आज देश पर नजर डालते हैं, कहीं लगता है जिन सपनों के साथ हमने आज़ादी पाई थी कहीं धुंधला धुंधला सा हो गया है। आज कहीं ऐसा लगता है इंसान थोड़ा सा एक दूसरा सा नकाब पहनने लगा है। इस अवसर पर जबकि देश में कहीं सांप्रदायिकता का, कभी जातीयता का, कभी अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसका एक उबा ज्वार उत्पन्न होने लगता है, आदर्श कला मंच अपने साहित्य संगीत संसद के माध्यम से आप सबों से एक अपील करता है, जिस अपील को हम आपके बीच कुछ इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। और देश को कहते हैं ना, देश को एक भारतीय चाहिए, भारत को भारतीय चाहिए, भारत को मानव चाहिए, भारत को इंसान चाहिए, भारत को न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न सिख चाहिए, भारत को एक भारतीय भारतीय इंसान चाहिए। हमारा इस पैगाम को सुने। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा,
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंध वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संदेश के साथ साथ हम कवि दिनकर जी की जिन पंक्तियों के साथ शुरुआत किए थे, भारत का जो परिचय राष्ट्रकवि दिनकर करते हैं, उन उसी कविता की दो पंक्तियों के साथ आज का हमारा जो ये विशेष बात गान था, गान राष्ट्रीयता का एक खास एपिसोड, इसकी शुरुआत आज से हमने की है और ये चलता रहेगा। एक विशेष अपील और विशेष सूचना भी मैं दूँ कि हम सब उपस्थित होंगे 14 अगस्त को आदर्श कला मंच के बैनर तले एक खास शाम में, जिसमें वो स्वाधीनता की शाम होगी, वो स्वतंत्रता से स्वतंत्रता संग्राम में सब कुछ न्योछावर कर देने वाले शहीदों को सलाम करने की शाम होगी। उन्हीं को उन्हीं के गान के साथ उपस्थित होंगे एक शाम स्वाधीनता के नाम, शहीदों के नाम और देश पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले अमर सपूतों के नाम हमारे साथ उसमें होंगे, अमरजीत, नागेश्वर और इनकी पूरी टीम। लेकिन हम एक बार फिर से अपनी बात को दिनकर जी के शब्दों के साथ ही समाप्त करते हैं। दिनकर जी कहते हैं, भारत एक विचार, भारत मानचित्र पर अंकित नहीं, भारत एक विचार धरा को स्वर्ग, सॉरी, भारत एक विचार स्वर्ग को धरा पर लाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को धरा पर लाने वाला, भारत एक विचार धरा को ही स्वर्ग बनाने वाला। तो वह विचार जिससे यह धरती स्वर्ग बन जाए, वह विचार जिससे स्वर्ग धारा पर आने को व्याकुल हो जाए, उसे भारतवर्ष कहते हैं। और इसी महान भारतवर्ष की कहानी, महान भारतवर्ष के गान, महान भारतवर्ष की उपलब्धि के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। साथ साथ हम सब एक अंदर अपने ऊर्जा का संचार करें कि भारत की जो असली पहचान है वो मुझसे परिभाषित हो। इसी अपील के साथ इस एपिसोड का अंत हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।